भारतीय जीवन शैली में यात्रा बहुत महत्व रखती है। जीवन को ही हमने एक यात्रा समझा और यात्रा का एक सामाजिक रूप में ये नेशनल इंटीग्रेशन करता है, लोगों के जो विविध व्यवहार विविध विचारों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, और आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी यात्रा बहुत महत्व रखता है। व्यक्तिगत लाभ तो प्राप्त करते हैं मगर साथ ही साथ समाज में भी एक एकता, साम्यता और ज्ञान का प्रसार प्रसारण होने लगता है। इन कई कारणों से संत और ज्ञानी हमेशा यात्रा करते रहे। संचार करना न केवल संतों का है मगर हर एक व्यक्ति के लिए है। भारत देश को आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, एक हिंदू समाज सनातन संस्कृति से भरपूर इस देश को बनाने का श्रेय श्री आदि शंकराचार्य जी को है। आदि शंकराचार्य जी ने 32 साल की उम्र में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और सौराष्ट्र से लेके कामाख्या तक भ्रमण करके पुनः स्थापित किया है सनातन मौल्यों को, और यह हर्ष का विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये भीड़ा अपने हाथ में उठाया, पहले नर्मदा यात्रा कराई, अभी आदि शंकराचार्य जी की जो समरसता का तत्व है, देश को उजागर करने का एक लक्ष्य है, उसको लेके एक यात्रा का शुरुआत किए हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ, और सारी जनता से मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग जुटिए इस यात्रा के महोत्सव में। जहाँ भी हम जाते हैं खुशी का और आनंद का लहर फैलाएं, जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ ज्ञान का प्रसरण हो, प्रचार प्रसार हो, हर एक के जीवन में इन यात्राओं से सुख और आनंद की प्राप्ति हो, मंगलमय हो।